हेलो जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम ये करेंगे कि आज हमें जाना है बाहर और आपको बहुत सी चीज़ें दिखानी है, और आज आपके साथ हमने पूरा दिन बिताना है, आपको बताना है सुबह से रात तक मैं क्या करता हूँ। हो गया भी तेरा, बोलूँ मैं अब? तो यार सीन ये है कि आज ना जाना है मैंने बाहर, वैसे ही रैंडमली जाना है, क्योंकि आज मौसम बड़ा अच्छा था और मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारिश के मौसम में आपको मीरपुर दिखाया जाए। और कुछ खाने का भी दिल था, क्योंकि 7 दिनों से आपका भाई जो है ना, 7 दिनों से डाइट कर रहा है थोड़ी सी हल्की फुल्की, तो मैंने सोचा आज क्यों ना कुछ खाया जाए। और आज का व्लॉग अनस्क्रिप्टेड है, कुछ भी नहीं मैंने इसके लिए जो है ना तैयार किया, रैंडमली देखते हैं जो चीज़ आती है रास्ते में उसको शूट करेंगे, इंजॉय करेंगे। और एक जगह मैंने सोची हुई है जो मैंने आपको दिखानी है, अभी मुझे खुद भी नहीं पता, एक दो मैंने चूज़ की थी, मैंने सोचा जाके देखेंगे जिधर की वाइब्स आई तो वहीं पर जाएंगे। और बस अब मैं तैयार हो गया हूँ आपके सामने, नहाया हूँ बस, अब मैंने जाने से पहले एक दफ़ा मैं परफ्यूम लगा लूँ, एक मिनट। ये रूल होता है आपको बॉडी पे लगाना चाहिए, आपको वैसे पता ही होगा लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने बताया था। तो मिलते हैं अब आपको गाड़ी में, ठीक? ओके ओके जी, तो अब हम निकल रहे हैं। निकल पड़ा हूँ मैं अब बाहर, कहाँ पे जाएं, कहाँ पे खाना खाया जाए। मैंने 2 जगह सोची हुई थी लेकिन उनमें से एक जगह मैंने सेलेक्ट की है, स्मोकिंग ग्रिल, जो कि मेरे दोस्त के। अब आप में से जो तो बंदे मुझे पिछले 400 साल से फॉलो कर रहे हैं, उनको ये पता होगा कि मेरी दूसरी वीडियो में मैंने इस कैफे को मैंने कवर किया था, यहाँ पे मेरा एक फूड चैलेंज हुआ जो कि मैं बाय द वे हार गया था। लेकिन अब मैं दोबारा इसलिए इनके पास जा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अब रेनोवेट किया था और काफी इसको नया बना दिया था, कुछ इन्होंने इंडोर भी किया था और रूफ टॉप भी इन्होंने बनाया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौसम में एंजॉय किया जाए इनके कैफे का और आपको भी दिखाऊं। सो आप में से बहुत को ये जगह याद आ गई होगी, ये रात को मैंने शूट की थी। सो अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं अपना दोस्त है कि नहीं, ना होगा हम तो अपना खाना खाएंगे, हमें नहीं परवाह हजार की। मजाक कर रहा हूँ। अगर तो ये आपको याद हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने इसको एक दफ़ा शूट किया था, तब अंधेरे में था लेकिन इनके पास ये इन्होंने कंटेनर नहीं रखा था, इन्होंने इंडोर की सेटिंग की है। लेकिन अब देखते हैं कि कैसा है ये, और इनका खाना भी ट्राई करते हैं, शाम को मैं कभी आया भी नहीं, तो आई होप कि अच्छा हो। कैफे हम आ गए, ऑर्डर मैंने दे दिया दोस्त के कहने पे, एक मैंने मंगवाया चिकन स्टेक और एक मैंने मंगवाया साथ पार्मा यान चिकन पास्ता। स्टेक में मैंने 2 सॉसेस दोस्त के कहने पे मंगवाई हैं क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कौन सा अच्छा, तो उसने मुझे कहा कि एक मोरक्कन मंगवाओ और एक टेरागोन। मोरक्कन तो मैंने खाया हुआ, काफी मजे गए, टेरागोन मैं देखता हूँ कैसा, आई होप कि मजे का हो। बाकी वेदर तो आपको पता ही है कितना मजे का इस वक्त। आगे आपको मैंने दिखाया भी है कैसा है, अब मैं खा के देखता हूँ कि कैसा है। लेकिन अब ये तो पता नहीं है कि इनमें से टेरागोन कौन सा है और मोरक्कन कौन सा है, पहली वाइट। मजे के आई थिंक ये मोरक्कन है क्योंकि इसके कलर से लग रहा है। टेरागोन ट्राई करता हूँ, टेरागोन कैसे, ये नहीं मैंने कभी खाया, गरम गरम बहुत गरम, इसकी सॉस है रेडिश, लगता है कि जैसे स्पाइसी होगा। फ़ायदा हुआ ना, मैंने दोस्त से इसलिए पूछ लिया था क्योंकि उसको नॉलेज थी और उसने सही मुझे बताया। अब मैं आराम आराम से खाऊंगा क्योंकि मौसम है मज़े का, इन्जॉय करेंगे वेदर के साथ। ये है भाई पार्मेजान चिकन पास्ता, ये इन्होंने आई थिंक वो चिकन के पीसेस है, जैसे इनको क्या कहते हैं, स्ट्रिप्स कह लो आप। पहली बार डिश की, बहुत मज़े, बहुत मज़े।
यार खाना तो मेरा हो गया डन, अब बस यहाँ से निकलना है और उसके बाद हमने जाना है पार के साथ में, प्लान है शायद उधर से। अच्छा भाई खाना हो गया डन, जैसा कि मैंने आपको कहा था बिल्कुल ही अनस्क्रिप्टेड रॉ आज का व्लॉग है। खाना मैंने खाया था, अगर आपको मैं दिखाऊं तो वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा है। वहाँ पे हम रूफ टॉप पे थे और साथ में ये पार्क था, तो मैंने सोचा कि पार्क आए थोड़ा सा इंजॉय करें, बारिश वाला मौसम था, शाम इधर गुजारें। मेरे साथ असल में वाइफ भी है तो झूले वगैरह लें, देखते हैं कैसा मौसम है, अगर तो कोई मजा आया तो लेंगे। असल में मैंने ना खाना खा लिया और अब मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, लेकिन मैं कहा चलो थोड़ी सी सैर हो जाएगी, वॉक भी हो जाएगी, मैं आपको पार्क भी दिखाऊँ कैसा है। बारिश में काफ़ी अच्छा लग रहा, और ये हैं बच्चों के झूले जो कि मेरे काम के नहीं हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या सीन। अच्छा यार सीन ऐसे कि यहाँ पे मैं आया था लेकिन झूले आई थिंक इनके सारे बंद हैं। मैंने सोचा था मैं भी काफ़ी अरसे बाद ट्राई करूँगा और कुछ हमें कंटेंट मिल जाएगा दिखाने के लिए, बट बारिश की वजह से ये सारे बंद हैं। तो मैंने सोचा कि फिर इस हाली क्या इसको कहते हैं, जो भी है ये कुर्सी, डेस्क तो नहीं है यार, इसको क्या कहते हैं, बेंच बोल गया हूँ मैं। खाना बहुत खा लिया इस वजह से ना, तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठें, सीन का नज़ारा लें, वॉक भी मैंने काफ़ी कर ली है। अच्छा कुछ ना लोग यार मेरे से एक मतलब लाइटर नोट पे, ऐसे कोई सीरियस बात नहीं, लेकिन अक्सर लोग मेरे से ना पूछते हैं, बाहर मिलते हैं, यार सुनाओ यूट्यूब कैसी चल रही है। तो मुझे थोड़ी सी ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि यार यूट्यूब तो इतनी ओपन है, हर बंदे को पता है, मेरे आप चैनल पर जाओ आपको पता लग जाएगा कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो अभी सारी बात है इनिशियल स्टेजेस पे है, इतने नहीं है, बोलते हुए भी अजीब लगता है यार अभी इतने, तो थोड़ा सा ना मुझे मतलब ये चीज़ अजीब सी लगती है कि आप किसी से पूछो, आप देख लो उसके चैनल पर जाके कितने सब्सक्राइबर हैं, आपको उसकी प्रोग्रेस भी मिल जाएगी। खैर ये एक छोटी सी बात मेरे ज़हन में आई थी। बाकी मुझे व्यू बताओ कैसा है आज, बस व्यू के ही पैसे हैं। खाना खाया बड़ा मजा आया और अपने दोस्त के कैफे गया हूँ, कोई डिस्काउंट नहीं मिला, 2600 रुपया लगा के आए हैं, लेकिन ये है कि यार खाना उन्होंने मज़े के दिए, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे होता भी नहीं है, उनका कैफ़े है, पैसे देने चाहिए आपको। इंशाल्लाह फिर कभी जाएंगे। मैंने मीठा नहीं खाया क्योंकि थोड़ा सा मैं डाइट के लिए था, तो मैंने कहा कि ज़्यादा मीठा ना ही खाया जाए, जितना हो सकता है ना मैं कंट्रोल करूँ। लेकिन फिर भी आप कहोगे कि इसने पास्ता भी ठूस लिया और स्टेक्स भी, स्टेक्स तो मैंने पूरे खाए थे दोनों। पास्ता मैंने हाफ हाफ से भी बहुत कम मैंने ट्राई किया था, क्योंकि आपको पता है वाइट चीज़ वाला जो पास्ता होता है ना बहुत हैवी होता है, थोड़ा सा मैंने खाया, बहुत मज़े का लगा, दिल किया मैं खाऊँ लेकिन फिर मैंने पैक करवाया। अभी हम वहाँ पे खाना खा रहे थे तो असल में थोड़ा सा इशू ये था कि वहाँ पे सारे टेबल थे बहुत क्लोज और बहुत सी फैमिलीज आ गई थी। अब चूंकि एक चीज़ नॉर्मल हो गई, आई थिंक लोगों को थोड़ा सा इग्नोर भी करना चाहिए कि अगर एक बंदा कोई कैमरा लेके कुछ कर रहा है या कोई वीडियो बना रहा है तो उसको आप स्पेस दो, बजाय कि आप उसको घूरना शुरू कर दो कि जैसे वो पता नहीं किसी मार्शियन है, किधर से आया हुआ है, कोई एलियन है जो पता नहीं क्या कर रहा है, तो ना थोड़ा सा अकवर्ड हो जाता है बंदा। खैर लेकिन ये मुझे चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी अपने अंदर से, ये मैंने जो है ना पंजाबी में कहते हैं चाका, ये चाका मैंने निकालना है। आई थिंक ऐसे ज़्यादा मज़ा आता है रॉ वीडियो का कि आप पकड़ो कैमरा और अपनी आप डॉक्यूमेंट्री बनाओ। ये छोटी सी चीज़ थी, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ था, लेकिन खैर ये आप इवन बाहर के मुल्कों में जाओ या जो बाहर के व्लॉगर्स हैं वो भी जब एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे इतना सारा रश दे के वो भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग देखते हैं कि हाँ भाई क्या हो रहा है। मीरपुर में अभी ये चीज़ें नई नई आ रही हैं, यहाँ पे लोग एकदम से देखते हैं कि हाँ भाई ये क्या, ये किधर से व्लॉगर आ गए। कई लोग तो मेरे से पूछते हैं हाँ भाई आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, कौन ये वो, अच्छा भी लगता है। कहीं तो चैनल पूछते हैं, देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अच्छी चीज़ है। तो यार अब शाम ढलने का इंतज़ार तो कर लिया, शाम हो भी गई है, अब सीन यही है कि घर चलते हैं, थक गया हूँ। झूले के लिए आए थे, आज तक एक झूले पे भी नहीं इधर मैं बैठा और आज भी नहीं मौका मिला। खैर फिर कभी जाएंगे। लाहौर अगर गया तो वहाँ पे किसी अच्छे अम्यूजमेंट पार्क में जाके आपको शेयर करवाऊंगा अपना रिएक्शन झूले में, क्योंकि मुझे झूले में बैठने की इतनी आदत नहीं है। वाइफ थोड़ा इंसिस्ट कर रही थी तो मैंने कहा चलो, तो अब ये कि मैं थक गया हूँ और बस अब घर वाली साइड चलते हैं। So we are moving back to our home. आज का दिन
बाहर के लिए मेरा समाप्त होता है। अब बस हम जा रहे हैं घर सुकून करने, और कुछ भी नहीं यार, और क्या दिखाऊँ आपको। तो घर आ गया हूँ, थक गया हूँ यार, बहुत ही हैक्टिक दिन था। थोड़ा सा ये बचा था घर ले आया, पास्ता ही था जो कि थोड़ा सा मैंने खाया। अब बस ये है कि अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। अब इतना सारा खा लिया तो कार्डियो भी करना बनता है, और उसके बाद इसको शू तो कर लिया, एडिट करना है। और फिर फिलहाल तो यार पता नहीं क्यों मैं बहुत थक गया हूँ। असल में रूटीन भी मैंने चेंज किया, क्योंकि मैं आजकल जिम सुबह करता हूँ और उसके बाद फिर थोड़ी देर सो जाता हूँ और फिर रात को कार्डियो करता हूँ शाम के टाइम। थोड़ी सी रूटीन चेंज है, आज बाहर निकले, काफ़ी इंजॉयमेंट की, मज़ा आया, खाना शाना खाया। अब इंशाल्लाह फिर हफ्ते बाद खाना खाऊंगा। उम्मीद है कि मेरा ये रिदम ना टूटे जो मैं डाइट कर रहा था, क्योंकि मैंने खा लिए। और मुझे बताओ आपको ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।